इस वक्त मैं शूटिंग कर रही हूँ अपनी हिंदी फिल्म जिसका नाम है एक्शन क्वीन मधुबाला। देखिए मैंने अभी एक सनी कपूर जी की ऑलरेडी हिंदी फिल्म कंप्लीट की है जिसके प्रोड्यूसर है रविंद्र टुटेजा जी, जिसमें मैं राजपाल यादव जी के साथ नज़र आने वाली हूँ। तो डेफिनेटली हिंदी में तो कदम रख ही लिया है, लेकिन कहना चाहूँगी कि जो मेरी शुरुआत हुई है वो हिंदी से ही हुई है। मैंने बहुत सारे हिंदी सीरियल्स भी करे हुए हैं और इस फिल्म के बाद से, अपरिचित शक्ति के बाद से और एक्शन क्वीन मधुबाला के बाद से डेफिनेटली अब लोग मुझे, मेरे जो दर्शक हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो हिंदी में भी देखेंगे। और इसके लिए मैं खास तौर पर अपने दर्शकों को ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना प्यार मुझे अभी तक देते आए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे भी मुझे इस किरदार में, मधुबाला के किरदार में जो मैं फिल्म कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छा गाना है, रोमांटिक गाना है, बहुत अच्छा शूट कर रहे हैं हमारे डांस मास्टर जी जो हैं केदार सुब्बा जी, जो बहुत ही सीनियर हमारे इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने बहुत सारी तमाम फिल्मों में अपने डांस का डायरेक्शन किया है। तो आई एम वेरी लकी कि उनके साथ शूट कर रही हूँ। और जी हाँ, पूरी तरह से रोमांटिक सॉन्ग है ये और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और आई एम श्योर कि दर्शकों को भी ये गाना अच्छा लगेगा। लोग मेरे लुक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट जाता है मेरे पूरे मेकअप दादा, मेरे हेयर ड्रेसर, मेरे पूरी टीम जो जिन लोगों ने मुझे तैयार किया है, इवन कि जितनी टीम है मेरे स्टाफ में, जितने लोग हैं वो लोग, देन हमारे कॉस्ट्यूम जो है वो पर्सनली सनी कपूर जी ने एक एक कॉस्ट्यूम को फाइनल किया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लुक चाहिए, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि डे बाय डे निखार आ रहा है, तो मुझे लगता है जब इंसान अंदर से, मन से खुश होता है तो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। डेफिनेटली बहुत चुनिंदा फिल्म्स करती हूँ, बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहती हूँ, मेरा बहुत ही लिमिटेड बट एक बहुत अच्छा सर्कल है, सो मैं बहुत खुश रहती हूँ और शायद उसी वजह से आप लोगों को गुंजन अच्छी लगती है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। अब मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि आप लोगों ने अभी तक गुंजन पंत को बहुत प्यार दिया है और उसके लिए मैं आप लोगों को जितना भी धन्यवाद करूँगी वो शायद कम पड़ेगा, लेकिन अभी ये जो जर्नी है ये रुकी नहीं है। मैं लगातार फिल्में कर रही हूँ, मेरी अभी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसी तरह से जैसे अब तक मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो वैसे ही मुझे प्यार करते रहें और मेरी फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला जब भी रिलीज़ हो उसको ज़रूर देखें। और साथ ही साथ मेरी एक और हिंदी फिल्म आ रही है अपरिचित शक्ति, उसको भी आप लोग ज़रूर देखें और अपना बहुत सारा प्यार दें।